तो ये देख सकते हैं, ये है रात, आप देख रहे हैं ये रामपुर का झील है। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है, आप ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं कुछ अलग ही जगह देखने को मिलेगी। इस टाइम मैं नैनीताल में नहीं हूँ, इस टाइम मैं हूँ रामपुर में, और रामपुर में आया झील में, जहाँ पर झील जो नई बनी गई है, तो इसमें मेला लग रहा था तकरीबन एक दो पहले महीने। तो उसके बाद अब मेला तो हट चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है ना काफ़ी आते हैं, घूमते हैं, और जब रात को लाइटिंग होती है तो काफ़ी जगमग लगती है। फिलहाल अभी शाम का वक्त है, लाइटें नहीं जलनी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं बता सकूँ कि नैनीताल में, वो नैनीताल में जो रामपुर में जो झील है वो किस तरीके से यहाँ पे है। और हमारे संग मेरे संग है महफूज भाई, इनका भी यूट्यूब में चैनल है, तो गोल्डन मोटो व्लॉग करके इनके चैनल का नाम है, तो उसको भी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, विजिट करिए, इनके व्लॉग को देखिए कि भी बना रहे हैं यहाँ का व्लॉग, हम दोनों साथ ही में बना रहे हैं। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं आज के व्लॉग में। आप देख रहे हैं ये रामपुर का झील है यहाँ पे, तो अंदर अभी हम चलेंगे, किस तरीके से है अंदर अभी मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे ना शेख चिल्ली जो है, शेख जो कॉमेडी करते हैं काफ़ी, तो 24-25-26 को यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हीं का शायद ये मंच बनना है यहाँ पे, अभी बाहर में पढ़ रहा था, तो 24-25-26 को लिखा हुआ उनका शेख चिल्ली का प्रोग्राम यहाँ पे। तो ये पहली बार मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो ये व्लॉग देख के आप मुझे बताइएगा किस तरीके का आपको व्लॉग पसंद आया। तो जो झील है, झील के नाम से ये फेमस है ये जगह, तो चलते हैं आगे की तरफ, दिखाता हूँ कैसा नज़ारा आगे। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हॉर्स, तो इस तरीके से स्टैचू बनाए हुए हैं ये, और मैं हूँ रामपुर की जो झील नाम से इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है, और यहीं पे शेख चिल्ली आने वाले हैं। तो इस तरीके से नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप ये, अगर ये ओरिजिनल में सामने आ जाएं तो फिर हम तो यहाँ नहीं देखेंगे, 10 किलोमीटर तो दूर दिखेंगे, देख सकते हो द हल्क, डोनाल्ड डक भांगड़ा करते हुए, जिराफ भी देख सकते हो, तो ये देख सकते हैं आप जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ कुतुब मीनार की हाइट देख सकते हैं आप ये, यहाँ बिल्डिंग देख रहे हैं कितनी ऊंची बिल्डिंग है, अगर नैनीताल में ऐसी बिल्डिंग बन जाए तो क्या हाल होगा फिर वहाँ का ये। और यह आई लव रामपुर, जैसे नैनीताल में था आई लव नैनीताल। तो यह है झील, और कुछ इस तरीके से चला रहे हैं बोटिंग, तो ये देख सकते हैं नैनीताल में जो पैडल बोट है उस तरह की यहाँ पे बोट है, आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ लोग चलाते हैं ये। लेकिन यहाँ पे बोटिंग भी होना स्टार्ट हो गई है, ये खड़ी है बोट्स, तो ये देख सकते हैं ताजमहल की हुबहू कॉपी जो यहाँ झील के अंदर दर्शाई गई है, कुछ इस तरीके से देख सकता है अभी ये। और यहाँ पे जैसे कुतुब मीनार दिखाया अभी मैंने, अभी ताजमहल जो आगरा में स्थित है ओरिजिनल, लेकिन इसकी हुबहू कॉपी यहाँ पे जो झील के अंदर उसकी दर्शाया गया है, उसका मॉडल ये देख सकते हो आप। और यहाँ रात में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि रात में जब लाइटें हो जाती है, सारी जगमग हो जाती हैं रात को लाइटें, तो बड़ा प्यारा नज़ारा है अंदर का, ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप, ये कर रही हैं ऊँट की सवारी संभल के, अभी गिर जाती है, आप आराम आराम से चलेगा, आराम आराम से चलेगा, तो ये देख सकते हो ऊँट की सवारी,
के चल रहा है, आराम आराम से चल रहा बस। इसके साथ चल रहा कुछ नहीं करेगा, आराम आराम से चल रहा, तो ये देख सकते हैं भैया ये मुझे ना करो, कुछ नहीं करेगा वो है तो भैया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ये खुजारा भैया, देखो देखो भैया, कोई बात नहीं, तो ये देख सकते हैं आप। चढ़ गया वो ऊपर, भैया चलो को रहन दो। आराम से बैठो ना, खुल के आप थोड़ा डरना है, ऐसी लगाएंगे। अरे इधर से सही आ रही है, उधर से अंधेरा आ रहा ना। अरे इधर से बड़ी सही आ रही है, चलो मैं आगे से बना रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ऊँट की सवारी लोग करते हैं, हॉर्स राइडिंग की सवारी ये कर रही हैं, ऊँट की सवारी फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस। और इनके संग मैं भी चल रहा हूँ, अभी मैं हाई नहीं कर सकती। और ये डर रहे हैं, छोड़ भी दोगे तो छोड़ के बैठते हैं बच्चे को, यह है कुछ इस तरीके से। ये ट्रेन करा होगा तुमने, ये सब सिखाना पड़ता है, सवारी नबी की सवारी। तो ये देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, अब देखना संडे में आना, संडे में जुम्मे में औरतें बैठती है। अच्छा हम नैनीताल से आए हैं ना, नैनीताल से। तो ये देख सकते हैं, ये है रात का नज़ारा, और रात के नज़ारे में कुछ लाया जो ताजमहल है डमी, वो इस तरीके से दिख रहा है लाइट में, और सारी लाइटें जल चुकी हैं आप देख सकते हैं। ये तो काफ़ी मतलब इसका रात में ही कुछ अच्छा, मतलब रात में ही घूमने का मज़ा है। ये देख सकते हैं सारी तरफ लाइटें ये तो जो यहाँ की पब्लिक है उस पर बढ़ने लगी है, और कुछ इस तरीके से फुहारा ये अभी चालू हुआ ये, और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी लाइटिंग अच्छी है। तो कुछ इस तरीके से है ताजमहल का डमी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। फाइनली यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया है। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो महफूज भाई भी मेरे संग हैं, तो इनका भी यूट्यूब में चैनल है गोल्डन मोटो व्लॉग करके, तो उसको भी जाके विजिट करिए, जो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज हम यहाँ पे घूमे हैं साथ में, घूमने के बाद बहुत मज़ा आया। मैं भी यहाँ पहली बार ही आया था, मेरे घर के से पास में इनके पहली बार यहाँ आया हूँ, तो तकरीबन यहाँ से इनका 10 या 15 किलोमीटर दूर का वहाँ पे इनका घर है, तो ये भी पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पे व्लॉग शूट करा, तो उसका भी व्लॉग देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।